नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप वर्मा है और आज आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या होती है, इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। विस्तार में इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको पता चल सके और कैसे आपको अप्लाई करना है, किस तरह से आप वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, जिससे आपके पास में आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए आपको बेल आइकन भी दबा देना है। तो आइए जानते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है। वृद्धावस्था पेंशन योजना वो योजना है, इसके अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ग के जो लोग हैं वो इस वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं। और जिनकी ये मैं अगर बात करूँ वार्षिक आय, ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूँ तो 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र की बात करता हूँ तो 56,460 रुपये तक वार्षिक आय है, तो वो इस योजना के पेंशन के पात्र हो जाएंगे। और इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को 500 रुपये हर महीने आपको दिया जाएगा, जो 4 त्रैमासिक किस्तों में पेंशन की धनराशि प्रदान की जाएगी, जिससे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए ये जो साइट दी हुई है, इस साइट पे जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस यहाँ पे मैं जाके बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं ये आपको ये बता दूं, वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य, जो भौतिक लक्ष्य था वो आपका ये है 43,45,014। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु बजट जो प्राविधान किया गया था वो 3,694.44 करोड़ रुपये और शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि 3,694.44 करोड़ रुपये। वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय की गई धनराशि 3,694.44 करोड़ रुपये। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष भौतिक उपलब्धि 51,21,454 रुपये। वित्तीय वर्ष हेतु कुल बजट प्राविधान 3,595 करोड़ रुपये। ये जो प्राविधान रखा गया था ये उसके लिए। अतः आप इस साइट पर आ जाएंगे, वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं पेंशन सूची जो है, वो पेंशन सूची में किस किस का नाम है, सॉरी यहाँ से अभी ये ओपन नहीं हो रहा, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेंशन सूची क्या क्या है और पेंशन सूची में किस किस का नाम है। अभी इसमें कुछ फॉल्ट आ रहा है, लेकिन आप बाद में इसे चेक कर सकते हैं यहाँ से जाके। इसके अलावा आप देख सकते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, मतलब 4 क्वार्टर में आपको पैसे डिवाइड किए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे। यहाँ पर 4 क्वार्टर में पैसे आपको दिए जाएंगे। विभागीय वेबसाइट पे जैसे आप क्लिक करोगे आप इसी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको, जब आप इस पेज पे आएंगे, इस पेज को ओपन करेंगे, तो आपको सबसे पहले जनपद, अपना डिस्ट्रिक्ट, जिस भी आप जनपद से बिलोंग करते हैं वो जनपद आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। जैसे कि मैंने अभी आगरा सेलेक्ट कर लिया है। अब आप नगरीय हैं या ग्रामीण हैं, नगरीय हैं तो नगरीय पे, ग्रामीण हैं तो ग्रामीण पे आप क्लिक कर लोगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉरी नगरीय, अगर आप ग्रामीण हैं तो ग्रामीण में आप क्लिक कर सकते हो। तहसील आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तहसील के बाद में आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना है। ब्लॉक के बाद में ग्राम पंचायत सिलेक्ट करना है। ग्राम पंचायत के बाद में आपको अपना गाँव सिलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद में फिर आपको अपना पूरा नाम यहाँ पर फिल करना होगा, मेल फीमेल, जन्म तिथि आपको भरनी होगी, पिता पति का नाम, श्रेणी सॉरी मोबाइल नंबर और पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पे आपको बैंक का सारा विवरण देना होगा, बैंक का क्या नाम है, बैंक शाखा, खाता संख्या दोबारा यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। और यहाँ पर आपको अपनी IFSC कोड भी फिल करनी होगी। आप आय का विवरण, आपके पास में कितनी आय है, आय प्रमाण पत्र, आवेदन संख्या, इनकम एप्लीकेशन नंबर और तहसीलदार द्वारा
प्रदत्त आय प्रमाण पत्र क्रमांक सर्टिफिकेशन नंबर, यहाँ पे आपको प्रूफ भी लगाना होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, ऐसे कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, पर अगर उसके पास में प्रूफ नहीं होगा तो उसको वो ये आय और ये सुविधा नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको अपने पासपोर्ट साइज की फ़ोटो डाउनलोड अपलोड करनी होगी। यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र का कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद में मैं घोषणा करता हूँ करती हूँ पे आप क्लिक कर लोगे और यहाँ पे कैप्चा भर के आप सबमिट कर दोगे। आपके पास में जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा उसके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, और तब नोटिफिकेशन आ जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आपका आवेदन हुआ कि नहीं हुआ, वो आपको मैसेज के थ्रू या फ़ोन के थ्रू पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2024 के क्या फ़ायदे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी विधवा महिलाएं इस योजना के पात्र हैं। भाग लेने वाली विधवाओं को 500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता मिल जाती है। ग्रामीण और शहरी दोनों विधवाएं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे बढ़िया बेनिफिट ये मिल रहा है कि आप चाहे ग्रामीण से हो या फिर आप नगरीय से हो, मतलब शहर से हो या फिर आप देहात से हो, आपको इसका फ़ायदा मिलना ही मिलना है। और योजना के लाभार्थियों को अपने जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार का अनुभव होता है। योजना के लिए, लाभ के लिए, आवेदन के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। सहायता राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। इस योजना विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अपना निभाता है। आवेदन करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप इस साइट पर जाएंगे, वहाँ से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और उस पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।